हाय फ्रेंड्स, यहां हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट टू बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, जस्ट लाइक दैट। आई डोंट कंसीडर हिम टू बी सक्सेसफुल, मैं उसे सफल नहीं मानता, मैं तुम्हें भारतीय नहीं मानता। आई डोंट कंसीडर यू टू बी इंडियन बिकॉज यू ऑलवेज टॉक अबाउट द फॉरेन, ऑलवेज अबाउट द अदर कंट्री, यू नेवर टॉक अबाउट द इंडिया, दैट्स व्हाई I don't consider, okay, I don't consider you to be Indian. जैसे मैं उसे होशियार नहीं मानता, I don't consider him to be intelligent. Intelligent here adjective. मैं तो आपको होशियार नहीं मानता, I don't consider you to be intelligent. That condition, he consider her to be suitable for job. वो उसे इस जॉब के लिए उपयुक्त मानता है। दैट टाइम वी यूज कंसीडर। डू यू थिंक हिम टू बी सेल्फिश? ठीक है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में कि वो बहुत स्वार्थी है? दैट कंडीशन वी आल्सो यूज थिंक आल्सो। सम पीपल थिंक 13 टू बी अनलक्की। बहुत से लोग सोचते हैं 13 नंबर को अनलक्की, दुर्भाग्यशाली। Most people think about it. Okay, that's, I guess his age to be 45. मेरा अनुमान है कि इसकी एज लगभग कितनी हो सकती है कि 55. That condition. Do you consider yourself to be God? Oh my God! क्या तुम अपने आप को भगवान मानते हो? तो that condition you use. I consider him to be a stigma for society. Okay, मैं उसको समाज के लिए कलंक मानता हूँ। Stigma means that कलंक। Because he always does nonsense work, bogus work, crime also. That's why I consider him to be stigma for society. So here we are talking about that to be noun plus adjective. मैं उसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानता। तो दैट कंडीशन, मैं उसे एक अच्छा व्यक्ति नहीं मानता। आई डोंट कंसीडर हिम टू बी गुड पर्सन। ओके, यस, मैं तो उसे अच्छा व्यक्ति मानता हूं। आई कंसीडर हिम टू बी गुड पर्सन। तो दैट कंडीशन वी यूज। ओके, या मैं उसे स्मार्ट नहीं मानता। आई डोंट कंसीडर हिम टू बी स्मार्ट। तो दैट, या मैं उसे एक्टिव नहीं मानता। तो आई डोंट कंसीडर हिम टू बी एक्टिव। तो दैट कंडीशन वी यूज दिस काइंड ऑफ। मैं उसे भारतीय नहीं मानता। आई डोंट कंसीडर हिम टू बी इंडियन। दैट कंडीशन वी यूज कंसीडर। ओके, यस, कंसीडर मीन्स मानना, थिंक मीन्स सोचना, गैस मीन्स अनुमान करना। दैट कंडीशन इज सिंपल सेंटेंसेस, बट वी यूज टू मच। That condition we use too much. He don't consider him to be sharp. Okay, yes. मैं उसे होशियार नहीं मानता। I don't consider him intelligent. Okay, I don't consider him clever. I don't consider him. So we use. Do you consider me to be good teacher? Do you, क्या मुझे एक अच्छा अध्यापक मानती हैं? Do you consider me a good trainer? प्रशिक्षक मानते हैं। Do you consider me to be good trainer? It is depend on you. Do you consider or not? But I consider you to be my good friends. Thanks.